नोवेल कोरोना वायरस का फैलाव नहीं हो, इसके लिए दिन रात पुलिस अधिकारी और जवान सड़क पर मेहनत कर रहे हैं। ड्यूटी में तैनात पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ लॉकडाउन का पालन कराने के लिए कहीं सख्ती बरत रहे हैं तो कहीं लोगों से अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील करते दिख रहे हैं। जिले के सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को भागलपुर SSP आशीष भारती ने कहलगांव और जिले से सटे सीमाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को लॉकडाउन का नियम तोड़ने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इधर लॉकडाउन में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पैदल ही रोजी रोटी की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव आते जाते दिखे। जगदीशपुर सीमा पर कई लोग पेट की भूख मिटाने के लिए सिर पर बोझा लादकर जरूरत का सामान पैदल ही ले जा रहे थे। वहीं लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए जगदीशपुर थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी दलबल के साथ चेकिंग करते दिखे। आइए हम आपको दिखाते हैं लॉकडाउन 2 में जिले की सीमाओं पर क्या कुछ हो रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन 2 के साथ ही पूरे देश में सख्ती तेज कर दी गई है। इस वक्त हम मौजूद है जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सनहौला मोड़ के समीप। आप देख सकते हैं ये सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जगदीशपुर थाना पुलिस के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है सनहौला मोड़ के समीप। थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी खुद हर आने जाने वाले की चेकिंग कर रहे हैं, वाहनों की चेकिंग की जा रही है सख्ती से। DGP गुप्तेश्वर पांडे के निर्देश पर पूरे बिहार में, राज्य भर में और विशेषकर भागलपुर जिला में SSP आशीष भारती के निर्देश पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान में जो लॉकडाउन में जो लोग निकले हैं उनके से निकलने का कारण पूछा जा रहा है और जो संतोषजनक जवाब दे रहे हैं उसे आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो इसके लिए भागलपुर पुलिस के द्वारा ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। SSP खुद आशीष भारती ड्रोन कैमरे से लॉकडाउन की निगरानी कर रहे हैं और सभी थानेदार को, थानाध्यक्ष को यह निर्देश, सख्त निर्देश दिया है कि अगर आपके क्षेत्र में लॉकडाउन का उल्लंघन होता है तो सीधे थाना प्रभारी पर कार्यवाही होगी। और जिसके बाद इस मोड़ पर देखते हैं कि सीमावर्ती जो क्षेत्र है भागलपुर का, उस पर अभियान तेज कर दिया गया है और लोगों से साथ ही साथ अभियान के साथ लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप लॉकडाउन का पालन करें। पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा यह अपील की जा रही है कि कोरोना वायरस के चैन को तोड़ने के लिए, कोरोना को देश से मिटाने के लिए आप लॉकडाउन का पालन करें। सिल्क TV भी आपसे अपील करती है कि लॉकडाउन में प्रशासन का सहयोग दें, जिला प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, तभी देश से कोरोना वायरस के को समाप्त किया जा सकता है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क TV, भागलपुर। भागलपुर दियारा क्षेत्र में अपराधियों के डर से किसान सहमे हुए हैं। इस क्षेत्र में किसानों की फसल पर अपराधियों की नजर रहती है। ऐसे में किसानों के अंदर से अपराधियों का खौफ खत्म करने SSP आशीष भारती के निर्देश पर 3 थाना की पुलिस ने शुक्रवार को कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए चलाए गए सघन कॉम्बिंग ऑपरेशन में नाथनगर, ललमटिया एवं मधुसूदनपुर थाना पुलिस के साथ घुड़सवार दस्ता ने भी किसानों की खेत में जाकर गश्ती की। इस दौरान पुलिस की टीम ने खुद किसानों की खेत का जायजा लिया और किसानों से बेखौफ रहने की बात कही। ललमटिया थाना SHO ओम प्रकाश ने बताया कि शंकरपुर एवं लक्ष्मीपुर दियारा क्षेत्र में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मीपुर एवं शंकरपुर मौजे की सीमा को लेकर भी विवाद चल रहा है, जिसकी नापी 24 अप्रैल को होनी है। इसको ध्यान में रखते हुए भी पुलिस द्वारा दोनों इलाके में गश्ती की गई। वहीं नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने कहा कि SSP आशीष भारती के निर्देश पर नाथनगर के दियारा क्षेत्रों में लगातार पुलिस गश्ती किया जाएगा एवं इन क्षेत्रों में आपराधिक घटनाओं पर नजर भी रखी जाएगी। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने को लेकर सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को नवगछिया के रंगरा प्रखंड भवानीपुर गांव में पेट की भूख से आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर उतर गए। खाद्य सामग्री नहीं मिलने के कारण ग्रामीण जन वितरण प्रणाली विक्रेता के खिलाफ सड़कों पर जमकर नारेबाजी करते दिखे। लॉकडाउन के कारण लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरना दिया। लॉकडाउन में धरना प्रदर्शन पर सरकार द्वारा रोक लगाई गई है, लेकिन पेट की भूख और खाद्य सामग्री की उपलब्धता नहीं होने के कारण लोग सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। हालांकि मामले की सूचना मिलते ही रंगरा थाना पुलिस गांव पहुंची और ग्रामीणों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं भीड़ एकत्रित नहीं करने की बात कही, लेकिन ग्रामीणों ने खाद्य सामग्री की मांग को लेकर सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन होता रहा।
हालांकि मामले की सूचना जब रंगरा वीडियो शिल्पी कुमारी वैद्य को मिली तो वो ग्रामीणों को समझाने घटनास्थल पर पहुंची। वीडियो शिल्पी कुमारी ने कहा कि जिस डीलर ने लाभुकों के साथ गलत व्यवहार किया या राशन वितरण में अनियमितता बरती है उसके खिलाफ जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का सभी लोग पालन करें, सरकार खाद्य सामग्री की कमी नहीं होने देगी। हम लोग जब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक नहीं कर दिया जाएगा, भूख हड़ताल जारी रहेगी और धूप में रहे, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। कहाँ से खाना लाएंगे बताइए बेटा? डीलर आपको राशन मुहैया नहीं करेंगे? डीलर मुहैया राशन, जब मुखिया जी हमको पर्ची दिया आप जाइए डीलर के पास 10 किलो अनाज मिलेगा, मदन डीलर को भगा दिया द्वार पर से, निकल यहाँ से, उनको नहीं मिलेगा। अगर बदतमीजी किया है जो भी लाभुक के साथ और या जिनके पास कार्ड नहीं है, जो भी जैसा भी हो, चाहे उन लोग का कहना है कि मेरा माल में काट लेता है 2-3 किलो इस तरह से है, कहीं पर पैसा ज़्यादा ले रहा है, कहीं पर गाली ग्लौज कर रहा है डीलर, कहीं पर धक्का मुक्की कर रहा है, तो सारा चीज़ हम इन लोगों को कह दिए कि आप लोग जो है लिखित में हमको दे दीजिए और लिखित में देने के बाद जो है SDO साहब के तरफ से जाँच बैठेगा और वहाँ से जो है कार्रवाई होगी। रमजानुल मुबारक में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर भागलपुर के मुस्लिम संगठनों द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है। अब रमजान के महीने में लोग अपने घरों में ही पंचगाना और तरावीह की विशेष नमाज अदा करेंगे। वहीं मौलाना चक स्थित खानकाह शहबाजिया के सज्जादा नसीह सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शहबाजी ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और लॉकडाउन को देखते हुए सामूहिक रूप से मस्जिदों और खानकाहों में तरावीह की नमाज नहीं होगी और लोग अपने अपने घरों में ही रब की इबादत करेंगे। इधर शाह मार्केट खानकाह पीर दमड़िया के उप सज्जादा नशी सैयद शाह फकरे आलम हसन ने लोगों से सरकार और जिला प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की है। सैयद शाह फकरे आलम हसन ने कहा कि माह रमजान अप्रैल माह की 24 या 25 तारीख से शुरू होने वाला है, इसीलिए सभी लोगों को घर पर ही रहकर सरकार की मुहिम को कामयाब बनाना है। इधर लॉकडाउन के बाद सभी मस्जिदों में जुमा की सामूहिक नमाज पर रोक लगी है। ये महीना लोगों के साथ भलाई करने का है, लोगों के साथ अखलाक से पेश आने का है, लोगों के साथ हमदर्दी करने का है, उनकी सहायता और सहयोग करने का है। ख़ास तौर पर ये महीना दुआओं का है, इसमें दुआ हो कि अल्लाह पूरे मुल्क से ये कोरोना वायरस की शक्ल में जो महामारी दुनिया में फैल गई है, इसको अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से करम से दूर फरमा दे, हमारे मुल्क से इसको दूर फरमा कर पूरे मुल्क के लोगों को नजात अता करे। ख़ास तौर पर लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, इसी दरमियान रमज़ान आ गया है, इसलिए हमें चाहिए कि रमज़ान के मौके पर जब रमज़ान शुरू हो जाए तो हम इबादत घरों में करें, तरावियां घरों के अंदर पढ़ें और 3-4 लोग की जमात का अहतमाम हो, उनसे कुरान सुना जाए। जहां कुरान पढ़ने वाले हाफिज़ ना हों तो ऐसे लोग सूरह तरावीह अपने घर में पढ़ लें, लेकिन जमात के साथ 2-3 लोग मिलकर पढ़ने का अहतमाम करें और मस्जिदों में जो इमाम हैं, जो मुअज्जिन हैं और खादिम हैं, वो 3-4 लोग वहाँ अपनी नमाज जमात से पढ़ लेंगे। पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुके कोरोना वायरस से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन में गरीब, मजदूर एवं मरीजों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके घर तक दवाई एवं राहत सामग्री पहुंचाने का काम पिछले 13 दिनों से लगातार भागलपुर की संस्था केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ RPF GRP एवं भागलपुर जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने बताया कि निशुल्क एवं निस्वार्थ भाव से संघ की ओर से एकचारी, घोघा, कहलगांव, नवगछिया, सुल्तानगंज समेत भागलपुर जिला के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदों को उनके घर तक दवाई पहुंचाई जा रही है। बता दें कि इस अभियान में जरूरतमंदों से दवा का वास्तविक मूल्य के अलावा कोई अन्य सेवा शुल्क नहीं लिया जाता है। संस्था के सदस्य सुमित अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन का पूर्णतः पालन हो, इसी उद्देश्य के साथ इस अभियान को चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भागलपुर जिले के कोई भी जरूरतमंद संस्था के हेल्पलाइन नंबर 9473040127 पर कॉल कर अपने घर तक दवाई मंगवा सकते हैं। बता दें कि केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ GRP RPF एवं भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से लगातार समाज सेवा किया जा रहा है, साथ ही संस्था राशन एवं दवाई के साथ जन जागरूकता का भी कार्य कर रही है। मौसम की मार और भीषण आंधी बारिश के कारण किसानों की हालत बदतर होती जा रही है। एक ओर जहां लॉकडाउन से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं प्रकृति की मार से किसानों के खेतों में काफी नुकसान हो रहा है।
रंगरा प्रखंड के दियारा क्षेत्रों एवं कई गांवों के खेतों में किसानों की फसल लगातार बर्बाद हो रही है। मौसम की मार से खेतों में लगी मकई की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसान काफी आहत और चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर रंगरा, सधुआ एवं तीनटंगा दियारा के किसानों ने कहा कि किसानों को हमेशा प्रकृति की मार झेलनी पड़ती है, लेकिन काफी मेहनत के बाद बारिश और तूफान से जब फसल नष्ट होती है तो इसका असर उनके जीवन पर पड़ता है। वहीं आंधी बारिश के कारण प्रखंड में आम और लीची को भी भारी नुकसान हुआ है। भागलपुर के सनोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरहन खजुरिया पंचायत निवासी 20 वर्षीय विपिन यादव की मौत ट्रैक्टर के पलटने से हो गई। घटना को लेकर मृतक के बड़े भाई ने बताया कि विपिन ट्रैक्टर लेकर खेत जोतने के लिए बहियार जा रहा था, तभी बलवड्डा साहूपाड़ा खजुरिया बांध के समीप तीखा मोड़ होने के कारण ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और ट्रैक्टर 20 फीट गहरे खाई में जा गिरा। ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से ड्राइवर विपिन यादव ट्रैक्टर के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं स्थानीय ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर और चालक विपिन को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए कहलगांव अनुमंडल अस्पताल ले गए। वहीं घटना की खबर विपिन के घर वालों को मिलते ही मां बिमला देवी एवं परिजनों के होश उड़ गए और घर में मातम छा गया। वहीं पंचायत के मुखिया सुभाष चंद्र भगत एवं ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। श्री शिव शक्ति योगपीठ के स्वामी आगमानंद जी महाराज के निर्देशन में जिले के विभिन्न जगहों पर जरूरतमंद एवं असहाय लोगों के बीच भोजन वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए देश भर में किए गए लॉकडाउन के कारण गरीब एवं दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों के बीच पका हुआ भोजन वितरित किया जा रहा है। शहर के अलग अलग मोहल्ले में शिव शक्ति योगपीठ के कार्यकर्ता एवं गुरुसेवी रोजाना सैकड़ों जरूरतमंदों को भोजन करा रहे हैं, जिससे कोई भी भूखा न सोए। परमहंस आगमानंद जी महाराज ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी लोगों को लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जरूरत है। जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री की जगह पका भोजन देने से लोगों की भूख तत्काल मिट जाती है और कच्चा अनाज बनाने में कई लोगों को समस्या होती है। साथ ही आगमानंद जी महाराज ने कहा कि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसीलिए जितना संभव हो असहाय एवं जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। गौरतलब हो कि शिव शक्ति योगपीठ नवगछिया एवं स्वामी आगमानंद जी महाराज परिवार के निर्देशन में विगत कई दिनों से भिकनपुर गुमटी नंबर 1 नवयुवक संघ के कार्यकर्ता शहर में घूम घूम कर भोजन वितरण करते हुए अपनी सेवा दे रहे हैं। भोजन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर सोनू कुमार, शशि कुमार, मोनी कुमार, मनोज कुमार एवं मोनू कुमार मौजूद थे। जिला प्रशासन के निर्देश पर नाथनगर के महाशय डियोड़ी परिसर स्थित मध्य विद्यालय एवं दारुल यात्मा अनाथालय में चल रहे सामूहिक किचन का शुक्रवार को एडीएम राजेश झा राजा ने निरीक्षण किया। एडीएम ने जरूरतमंद परिवारों के लिए बन रहे भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की और साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने की बात कही। एडीएम ने कहा कि दोनों जगहों पर चल रहे सामूहिक किचन में प्रतिदिन 1500 लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है। मौके पर बीडीओ राकेश कुमार, सीओ राजेश कुमार, भवेश यादव सहित कई लोग मौजूद थे। जांच में नहीं, देखने ये आए थे, जो हमारा जो कैंप चल रहा है और जहाँ से वैसे निसहाय लोगों को खाना पहुँचाया जा रहा है तो वहाँ क्या क्वालिटी है और सही ढंग से वितरण हो रहा है कि नहीं, इसी बिंदु पर देखने के लिए आए थे। और अभी महाशय ड्योढ़ी में देखे हैं और फिर घंटाघर के पास जो ट्रेनिंग स्कूल है, ट्रेनिंग कॉलेज है, तो वहाँ भी देखे हैं और फिर अभी यहाँ आए हैं। तो सभी जगह बेहतर ढंग से चल रहा है और लोगों का भी काफ़ी अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ईएनटी हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर एचआई फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए एसी, नॉन एसी जनरल वार्ड उपलब्ध है।
चंपा नाला पुल के निकट चंपा नगर भागलपुर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन की ओर से जिले में कोविड 19 को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। संगठन की ओर से शहर के अलग अलग वार्डों एवं मोहल्ले में जाकर लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए नियमित रूप से हाथ धोने, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने के साथ घर से बाहर नहीं निकलने की बात बताई जा रही है। इसी को लेकर शुक्रवार को संगठन के प्रदेश महासचिव ईशान सिन्हा के नेतृत्व में इसाकचक थाना के समीप राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान इसाकचक थाना अध्यक्ष संजय कुमार सुधांशु की देखरेख में सोशल डिस्टेंसिंग कायम करते हुए राहत सामग्री वितरण किया गया। पुलिसकर्मी जहां लोगों को आपस में दूरी बनाए रखने के लिए निगरानी करते दिखे, वहीं संगठन के प्रकाश वर्मा, अमित राय, सौरभ बोस समेत कई लोग खाद्य सामग्री बांटते नजर आए। इसके अलावा बबरगंज थाना परिसर में भी राहत वितरण किया गया। संगठन के प्रदेश महासचिव ईशान सिन्हा ने कहा कि लॉकडाउन चलने तक संगठन की ओर से लोगों को जागरूक करने के साथ अलग अलग वार्डों में राहत सामग्री वितरण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन कर कोरोना वायरस से बचाव किया जा सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता एवं नाथनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पप्पू यादव लगातार जरूरतमंदों की सेवा में लगे हैं। लॉकडाउन के बाद राजद नेता क्षेत्र के गरीब और असहाय लोगों को पिछले कई दिनों से घूम घूम कर राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। पप्पू यादव ने बताया कि वार्ड की जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए वह लगातार कई सामाजिक संगठनों से संपर्क में हैं। साथ ही खुद के फंड से परिवार चलाने के लिए गरीबों के बीच नगद राशि भी बांट रहे हैं। राजद नेता पप्पू यादव ने कहा कि वैश्विक महामारी से तभी निपटा जा सकता है जब सभी लोग एक दूसरे की मदद करेंगे और सरकार के दिशा निर्देश का पालन करेंगे। इधर इसाकचक के दीपक कुमार शर्मा घर वालों के सहयोग से भोजन तैयार कर सड़क किनारे घूम रहे लोगों को बांट रहे हैं। दीपक ने बताया कि उनके पिताजी मायागंज अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी हैं और उन्हीं की प्रेरणा से वह लॉकडाउन में फंसे जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रहे हैं। वहीं लॉकडाउन 2 में भागलपुर की शिक्षिका सुमन सोनी सफाई कर्मियों को आर्थिक मदद देने के साथ उन्हें सम्मानित भी कर रही है। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाली सुमन सोनी लॉकडाउन में शहर से गांव जाकर लोगों को एक तरफ जागरूकता का पाठ पढ़ा रही है तो दूसरी तरफ जरूरतमंद लोगों की सहायता भी कर रही है। सुमन सोनी ने बताया कि कोरोना की लड़ाई में सफाई कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए वह अपने और अपने पति के वेतन से अंशदान कर सफाई मजदूरों का हौसला बढ़ा रही है। वार्ड नंबर 36 में रहने वाली शिक्षिका सुमन सोनी ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। मालवाड़ी युवा मंच की ओर से नाथनगर वार्ड संख्या 6 स्थित कोसकी झाल लेन में अपना किचन की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने किया। सिटी डीएसपी ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान जरूरतमंद परिवारों के लोगों के लिए किचन की शुरुआत सामाजिक संस्था की ओर से की गई है। किचन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित किए गए 700 परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। मौके पर नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन, सीओ राजेश कुमार, विक्रम यादव, अभिनंदन यादव, अश्वनी खटोर, माना शुक्ला सहित संस्था के कई सदस्य मौजूद थे। संजय अग्रवाल जी और हमारे तरह के सारे लोगों ने महसूस किया कि आमतौर पर नगर निगम के क्षेत्र में तो राहत बट रहा है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि जो गांव के लोग हैं उनकी सूचनाएं नहीं हैं और हम लोग वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। तो एक अच्छा प्रयास नाथनगर के मारवाड़ी युवा समाज की तरफ से हो रहा है।